दोस्तों, मैं डॉक्टर एके आज़ाद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर से उन पुरुषों के लिए बनाया जा रहा है जो कि अपने पेनिस की साइज़ को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और काफ़ी दवा कराने के बाद भी उनकी पेनिस की साइज़ बड़ी नहीं होती। पेनिस में अच्छी तरह से हार्डनेस नहीं आता, यानी कि तनाव नहीं आता और वो शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं तरह के पुरुषों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। अगर आपको इन तरह की समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी देखा जाए तो मैं बता दूँ, 100 लोगों में 90 लोग अपने पेनिस की साइज़ को लेकर चिंतित रहते हैं। पेनिस की साइज़ छोटी रहने की वजह की बात करें तो गलत खान पान या फिर गलत आदतें या बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं आपके पेनिस की साइज़ की छोटी रहने की वजह हो सकती हैं। तो दोस्तों, पेनिस की साइज़ अगर आपकी 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक है तो मान लीजिए कि आपकी पेनिस साइज़ नॉर्मल है। बहुत से लोगों का 7 इंच 8 इंच होता है, किसी का 9 इंच भी होता है। और लेकिन अगर 4 इंच से आपके पेनिस की साइज़ छोटी है, जैसे कि 3 इंच 2.5 इंच तो ये मान लीजिए कि आपके पेनिस की साइज़ छोटी है और आप सेक्स प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन छोटे पेनिस के साइज़ में भी अगर तनाव बना रहता है लंबे समय तक, हार्डनेस बना रहता है, तो इन तरह के लोग भी अपनी बीबी को अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। और पेनिस की साइज़ मैटर नहीं करती कि पेनिस की साइज़ अगर लंबी है, पेनिस मोटा है तो आप अपनी बीबी को खुश कर पाएंगे। आपके पेनिस में तनाव आना बेहद ज़रूरी है। अगर तनाव मान लीजिए कि आपके पेनिस की साइज़ 7 इंच 8 इंच है और तनाव नहीं आता तो वो पेनिस बेकार है और उस तरह के पेनिस जो है अपनी बीबी को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हार्डनेस नहीं रहेगा तो आप अपने बीबी के योनि में घर्षण किस तरह से कर पाएंगे और उसे ठंडा किस तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी वजह हैं पेनिस के छोटे रहने की वजह। और मैं इस वीडियो में एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊँगा जिसकी मदद से उन पुरुषों के लिए ये क्रीम अच्छा है जो अपने पेनिस के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं और लंबे समय तक बिस्तर पे टिकना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए दिखा देते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट दोस्तों टाइटन जेल है, जो कि कुछ इस तरह के कागज़ के कॉटन बॉक्स में आता है और इसमें आपको दोस्तों 50 ml जेल देखने को मिलता है और इस पर लिखा हुआ है स्पेशल जेल फॉर मैन, यानी कि ये स्पेशल जेल जो है पुरुषों के लिए बनाया गया है उनके पेनिस के लिए। और टाइटन जेल दोस्तों एक नेचुरल तरीके से बनाया गया है, तमाम तरह के इसमें अच्छे अच्छे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके पेनिस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता। दोस्तों, इस पैक को जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के ट्यूब देखने को मिलता है जो कि यही है टाइटन जेल, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। और कैप इस तरह से देखने को मिलता है, अंदर सील है, जब भी इस्तेमाल करना हो तो सील को खोल लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, टाइटन जेल के फ़ायदे पे नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, ये जेल ख़ास तौर से उन पुरुषों के लिए बनाया गया है, यानी कि डिज़ाइन किया गया है जो पुरुष अपने पेनिस की साइज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं, पेनिस की साइज़ बड़ी नहीं हो रही है या फिर पेनिस में अच्छी तरह से तनाव नहीं आ रहा है या फिर बिस्तर पे लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे हैं, उन्हीं तरह के लोगों के लिए ये टाइटन जेल बनाया गया है। तो चलिए इसके एक एक करके इसके फ़ायदे पे नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है जिसके चलते अब आपका पेनिस ढीला हो गया है, पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता, अब आपकी शादी होने वाली है और इस शादी के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बीबी को कैसे खुश कर पाएंगे, कैसे उसे लंबे समय तक संतुष्ट कर पाएंगे, तो आपके लिए ये स्पेशल है टाइटन जेल। आप इसका एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको इससे 100% फ़ायदा मिलेगा और आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो अगर आपका पेनिस की नसें ढीली रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता,
पेनिस देखने में काफ़ी छोटा पतला ढीला। दोस्तों पेनिस काफ़ी ढीला लगता है और अच्छी तरह से इरेक्शन नहीं आता और आपका मन बार बार संभोग करने के लिए परेशान रहता है, लेकिन पेनिस के साथ ना देने की वजह से आप अच्छी तरह से बिस्तर पे प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो आप उन कंडीशन में इस टाइटन जेल को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पेनिस की साइज 1 से 2 इंच लंबी हो जाती है, आपका पेनिस केले इतना मोटा हो जाता है और पत्थर जैसा कठोरता आपके पेनिस में आ जाता है। लेकिन इसे सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियो बनाया है और लोग ये कमेंट करते हैं कि ये जेल काम नहीं करता, ये जेल फेक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन तरह के लोग जो कमेंट करते हैं, 1-2 दिन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसे फेंक देंगे, यानी कि लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे उनको रिज़ल्ट मिले। देखिए कोई भी आयुर्वेदिक दवा तुरंत रिज़ल्ट नहीं देती, वो 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन टाइम लेता है और उसके बाद धीरे धीरे वो रिज़ल्ट देना चालू कर देता है। और उन तरह की जो दवाएं आती हैं जो धीरे रिज़ल्ट देती हैं, वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी मदद करती हैं। यहीं एलोपैथिक ड्रग आप ले लीजिए, तुरंत रिज़ल्ट देता है लेकिन वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करता, वो बीमारी को दबा देता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक दवा है, फौरन इससे रिज़ल्ट का उम्मीद ना रखें, कुछ दिन इस्तेमाल करें तभी आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों टाइटन जेल जिन लोगों की शादी हो गई है वही लोग इस्तेमाल करें, बिना शादीशुदा लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और इसे जो है रोज़ाना रात में सोने के टाइम आप इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अधिक समस्या है तो आप दिन भर में 2 बार इस जेल का इस्तेमाल करें, अगर हल्की फुल्की समस्या है तो रात में सोने के टाइम 1 बार इस्तेमाल करें। और इसे इस्तेमाल कैसे करना है बहुत जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसे जो है चने के दाने इतना इस जेल को अपनी उंगलियों पर निकाल लेना है। और मान लीजिए कि ये दोस्तों आपका पेनिस है, तो पेनिस के चारों तरफ इस जेल को अच्छी तरह से हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना होता है और टोपी वाले हिस्से को छोड़ देना होता है और जड़ तक आपको अच्छी तरह से धीरे धीरे हाथों से 15 से 20 मिनट तक मसाज करना है। और ये प्रक्रिया आपको करीब 1.5 से 2 महीना करना है। और आप चाहें तो संभोग करने के आधे घंटे पहले भी इस जेल को अच्छी तरह से लगा लें, और संभोग करना हो तो किसी गर्म पानी से इस अपने पेनिस को धुल लें, उसके बाद संभोग करें, आप लंबे समय तक बिस्तर पे टिके रहते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह करके आपको लगाना है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।